हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, जैसा कि हम पहले भी वीडियो डालते रहे हैं, जिन लोगों को देखना हो वो मेरा वीडियो देख लें। मेरे वीडियो में जितने भी अड्डा यार ग्रेड अप के सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग ये 12-13 हज़ार क्वेश्चन के आसपास है जो कि मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ। और भी क्वेश्चन हैं जो कि 1 लाख करीब के क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि आने वाले RRB NTPC और SSC के लिए बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक साबित होने वाला है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन का सेट देखेंगे जो कि बहुत ही रिच वैरायटी का क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखिए, अमरकंटक से होता है जो कि मध्य प्रदेश में, और यहाँ से एक नदी और निकलती है जो कि उत्तर की तरफ बढ़ती है, जिसे सोन कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महानद देश में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है? तो बोत्सवाना में है कालाहारी, जो कि अफ्रीका में है बोत्सवाना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, अबुल फजल क्या थे? अबुल फजल थे अकबर के मुख्य सलाहकार, ठीक है। फैजी थे पोएट, फैजी भी उन्हीं के दरबार में थे, बीरबल भी उन्हीं के दरबार में थे, लेकिन बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे टोडरमल, ठीक है। तो ये युग्म गलत होना तय है। इसमें से देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्था करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद सॉरी चौरी चौरा आंदोलन मूवमेंट हुआ, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, वो हुआ था। अब देखते हैं, जजिया टैक्स किसने समाप्त किया था? तो शुरू किया था इसे किसने, और ये पूछा है ख़त्म किया था किसने? तो यहाँ हम देखेंगे ख़त्म किया था किसने, अकबर ने, ठीक है। कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की? तो इसे देखिए, इसका आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और IAS और IPS का एग्ज़ाम का शुरुआत भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जुगाना है, ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर, बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है, लोग कभी कभी राम प्रसाद बिस्मिल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, और ये देखिए दोनों बड़ा कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन है। तो बिस्मिल अजीमाबादी एक हैं और एक है राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, बिस्मिल अजीमाबादी जो हैं इसके इसके लेखक हैं। तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्ला अजीमाबादी। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? देखिए, तो इसका ऑप्शन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसे बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोला जाता है। तो इसमें एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, आप इसे याद करते चले, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अनुसूचित क्षेत्र को बदलने के लिए संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा सख्त है? तो अनुसूचित क्षेत्र को, तो इन सारे जो बड़े बड़े मैटर होते हैं, इन सबको चेंज करने में किसका हाथ होता है? भारत के राष्ट्रपति का हाथ होता है। ऑप्शन गलती से भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रखवाला होता है। और ऑप्शन देखिए ज़रा, भारत के प्रधानमंत्री भी गलत है, और राज्य का उच्च न्यायालय केंद्र का मामला राज्य में कैसे चल सकता है? तो देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल और जन्म आधार के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? तो ये देखिए, ये मूल अधिकार का है, और ये देखिए ऑप्शन है इसका फर्स्ट आर्टिकल 14, विधि के तहत समानता जिसे हम लोग बोलते हैं उसे 14 बोला जाता है, और विधि उसके बाद आती है जाति। तो जाति का मामला देखिए इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 15 में, विधि जाति, और इसके बाद आता है सभी को अवसर, और छुआछूत उपाधि ख़त्म। तो ऐसे होता है, एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए कि विधि जाति सभी को अवसर और छुआछूत उपाधि अंदर। तो इसे आप याद कर पाएंगे 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो देखिए, विधि जाति, विधि 14 है और जाति है 15, तो जाति धर्म देखिए आर्टिकल 15 इसका आंसर सही होगा। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का? तो बिहू लगभग सब लोग जानते हैं कि आसाम की है, महाराष्ट्र की लावणी है, उड़ीसा की भी है, और उत्तराखंड का अभी फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, मगर याद आएगा तो हम बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक है? तो आप एटॉमिक नंबर पढ़ लें एक बार, तो फ्लोरीन के आगे सोडियम आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर देख भी लीजिए, सोडियम 11 है, बेरिलियम 14 आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोलियम 4 पे है, नाइट्रोजन 7 होता है, बोरोन 5 होता है, और सोडियम ज़्यादा होगा। इसमें से बोला जा रहा है कि परमाणु संख्या सोडियम में ज़्यादा होगा।
वायरस के निम्नलिखित कारण में से कौन सा रोग होता है, मतलब इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो उसमें से एक ही रोग है जो कि रूबेला है, रूबेला होता है जो कि वायरस के कारण होता है। एक ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि रेड रेड रैशेस आ जाते हैं बॉडी पे, रूबेला। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये रामबाण सिद्ध होने वाला है आप लोग के लिए। ये वही क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और अक्सर नहीं जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं उन लोगों का तो आपके पास बुक होगा उससे आप पढ़ें, मगर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम एक जगह कलेक्ट करके दिए हैं और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल पर हम डालते जा रहे हैं। चलिए इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अनुवांशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो त्वचा, बाल या आँखों या का हल्का रंग या कोई रंग नहीं कारण नहीं होने का कारण बनता है। तो इसमें एबिनिज्म होता है जिसमें कि कोई भी रंग चेंज नहीं कर पाता है बॉडी का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एबिनिज्म बोलते हैं, रंगहीनता। अब देखते हैं आर्बोरियल एटलीट एटलस, आर्बोरियल एटलस किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है पूछा है। तो ये देखिए आर्बोरियल आर्ब जो आता है आगे आगे जो प्रीफिक्स है आर्बो, आर्बो आता है मकड़ी के लिए, ठीक है, तो आर्बी मकड़ी नुमा बंदर हो गया आंसर इसका। एनीमो आता है हवा के लिए, ठीक है, और चीरो आता है चिरप्टो या चीरो आता है चंद्र चमगादड़ के लिए। अब देखिए इसाक न्यूटन इन्वेंटेड क्या, इसाक न्यूटन इन्वेंट किया था थर्मामीटर, तो कभी पॉसिबल नहीं है, है ही नहीं। तो इसका आप लोग 12th के बुक में जब आप पढ़ रहे होंगे आई आई चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि लास्ट में दिया हुआ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो इसाक न्यूटन जो इन्वेंट किए थे, क्या इन्वेंट किए थे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्वेंट किए थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सबको पता होगा, तो वारन हेस्टिंग्स थे। सोच, बुद्धि, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसे कार्यों को ट्रिगर करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी था, सेरिब्रम, जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जो सबसे सामने का मस्तिष्क होता है उसे हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, और डाइसीफ्लोन बोलते हैं उसका एक पार्ट को, और प्रोन्सीफ्लोन बोलते हैं उसको सेकेंड पार्ट को। तीन पार्ट होता है जिसमें से कि डाइसीफ्लोन, प्रोन्सीफ्लोन और मेसीफ्लोन होता है। हाइपोथैलेमस तो ग्लैंड होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, और कंट्रोल तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो ये चैप्टर का नाम है जो कि डी ऑप्शन है, ये तो आंसर है नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर को सही कर सकते हैं। शरीर में इंसुलिन का मुख्य स्रोत कौन सा है, लगभग सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, जो कि है अग्नाशय। लीवर में विटामिन ए संरक्षित रहता है, और इंटेस्टाइन में आप लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन में आपका खाना धीरे धीरे पचता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन यहीं पे होता है। लैरिंग्स होता है जो कि आप कंठ वाले भाग में लैरिंग्स आप लोग वहाँ पा सकते हैं। बादामी, बादामी या वातापी जो भी है, बादामी यह शहर एक समृद्ध इतिहास का दावा करता है जो तत्कालीन चालुक्य राजधानी के रूप में सेवा कर रहा है, यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर है केव टेम्पल गुफा मंदिर, जो कि कहाँ पे है, चालुक्य का जो कैपिटल रहा था कभी ना कभी, जो कि है आपको कर्नाटका में। सबसे पहले बिग 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 बैंग सिद्धांत का सुझाव लगभग सभी लोग जानते हैं, जॉर्ज लेमेंत्रे, आप लोग याद रख सकते हैं इसको, आप वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, चाहे वीडियो को आप जैसे भी आप जिस माध्यम से भी आप लोग देखें, डाउनलोड कर ले या जो भी कर ले, इससे आप लोग बार बार देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर ही आए और व्यू के लिए देखें, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जैसा सुविधा लगता है देखें, मगर देख ले कम से कम, बहुत अच्छे क्वेश्चन से ही। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो इनमें से पहली तो थी आपको नॉर्थ पाकिस्तान में, और दूसरी रही है उज्जैन। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्राव ओजोन परत को कम करने का प्राथमिक, तो सब लोग जानते होंगे HCF जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC जिसको बोलाते हैं, ऐसे नॉर्मल हम लोग CFC बोलते हैं, मगर इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है। तो कहाँ, जहाँ फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन वो फ्लोरीन ख़त्म करता है आपको ओजोन मंडल को, और फ्लोरीन एक जगह और काम करता है जो कि दांत में आपके, फ्लोरीन अगर आता है तो फ्लोरीन के कारण दांत दांत का ख़राब होना आम है फ्लोरीन के कारण। अब हम लोग देखते हैं आगे, एबल मोसस एस्कुलेंटस किसका नाम है? तो ये है ओकरा का, ओकरा हम लोग लेडी फिंगर को शायद बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओकरा, और एबल मोसस एस्कुलेंटस ये लगभग याद नहीं रह पाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अगर 50 क्वेश्चन का सेट है तो आप लोग कम से कम नहीं तो 30-35 क्वेश्चन याद होने चाहिए। रिवॉल्विंग डोर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्विंग डोर जो रिवॉल्विंग डोर किसको बोलेंगे, जो दरवाज़ा आगे पीछे घूमता है, तो उसका आविष्कार किए थे वैन, आप सीधा वैन याद रखिए, वैन कैनल,
थियोफिलस का कोई जरूरत नहीं है, वैन कैनेल याद रखे, वैन याद रखे, खास करके वैन कैनेल इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी संस्था अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय राज्य सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें कि दो तरह के एग्ज़ाम जिसमें के एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए। से आगे देखते हैं, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कार्यालय से हटा सकते हैं? तो देखिए, इनमें से तभी हटा पाएंगे जबकि वो सिद्ध होता है कि अगर वो किसी कारणवश उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने चेयर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तब उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और इनमें से सभी ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। ये लिख रहा है कि यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन हम जो बोले उसमें से ऐसा कहीं मैच नहीं करता है। और यह लिखा है कि अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान में कार्यालय के कर्तव्यों के किसी भी नियोजित रोजगार में संलग्न है, ऐसा भी हम नहीं बोले हैं अभी। यदि वह राष्ट्रपति की राय में मन या दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता के कारण किसी को भी हटाना कतई सही नहीं है, क्योंकि पावर पावर होता है, वो चाहे पतला हो मोटा हो। हाँ, ये जरूर तय है कि अगर वो उसके लिए एबल नहीं है तो राष्ट्रपति अपने मन विवेक के अनुसार उसे हटा सकता है। अब आगे देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य कितने समय के लिए कार्यरत होते हैं? तो देखिए, या तो 65 वर्ष के लिए या तो फिर 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए सॉरी, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी इसमें से पूरा हो जाएगा तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये इनके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है? लगभग सभी लोग जानते हैं कि 14 पार्ट 14 में यूपीएससी से संबंधित सारे मैटर वहाँ दिए हुए हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? हैरल्ड लोमर मॉडल पे है। और दूसरा किस पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे है दूसरा। और तीसरा गडगिल मॉडल पे है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद और बागवानी से संबंधित है। शहद का रंग कैसा होता है? पीला। तो आप लोग याद रखें कि पीला है तो स्वर्ण क्रांति वहाँ होगा। और लैगून के लिए तो कहीं नहीं है, दालों के लिए भी नहीं है कहीं। अंगूर का आप एक अंगूर के लिए आप एक वर्ड याद रखें, ओलेरिकल्चर अंगूर से संबंधित खेती को बोलते हैं ओलेरिकल्चर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हम अभी बताएं कि महालनोबिस मॉडल, और तीसरा था गडगिल मॉडल। तीसरा अगर पूछे तो गडगिल मॉडल आप लोग आंसर देंगे। अब देखिए, 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है पाँचवा 20 प्रोग्राम, जिसे हम लोग 20 वर्षीय सूत्री के नाम से जानते हैं। ये पाँचवा पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आप इसे एकदम जरूर से जरूर देखें। इंदिरा गांधी नहर किस किस को पानी को मिलाता है? तो ये देखिए, सतलज और व्यास नदी है जिसको इंदिरा गांधी नहर पानी मिलाता है। इंदिरा गांधी नगर नहर कहाँ है ये देखिए, जब आप मैप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आपको पंजाब से लेके, और पंजाब से होते हुए आती है ये राजस्थान तक, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा फ्लो है इसका, इंदिरा नहर का। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो इंदिरा गांधी नगर, आप जब मैप देखेंगे आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा, एक लंबा नहर है जो कि बिना टूटे हुए एक लंबी दूरी को तय करती है, इसलिए हम लोग इसको इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। और यही लॉन्गेस्ट नहर है पूरे भारत का, यमुना नहर नामक कोई नहर नहीं है। अब आगे देखते हैं, सबसे पुरानी कार्यशील रिफाइनरी डिगबोई आसाम में है, जो कि सबसे पुराना तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। और भारत में एक और तेल रिफाइनरी क्षेत्र है जिसको हम लोग सभी जानते हैं, जो कि मुंबई हाई है, वहाँ से भी हम लोग तेल निकालते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह? तो ये देखिए, याद कर ले आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आना ही आना है इसे। तो ये कांडला पोर्ट है जिसको हम लोग दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। मुंबई उच्च इस क्षेत्र ने 1976 में उत्पादन शुरू किया है, यह किसके द्वारा संचालित है? कहने का मतलब, इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? तो इसे कोऑर्डिनेट करता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसे रिलायंस कंट्रोल नहीं करता है, ऐसा नहीं सोचिए कि रिलायंस मुंबई में है तो मुंबई रिलायंस इसे कंट्रोल करने लगेगा मुंबई हाई को, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे ONGC कंट्रोल करता है, ऑयल भी कंट्रोल नहीं करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी इसे कंट्रोल नहीं करता है, जबकि इसे ONGC कंट्रोल करता है। INC के किस चिन्ह, कहने का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र में सुभाष चंद्र बोस ने INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो ये सत्र था त्रिपुरी सत्र, लाहौर सत्र नहीं था ये,
ना ही हरिपुरा सत्र था, याद रखिए आप, त्रिपुरी सत्र था ये आंसर इसका। अब देखते हैं इल्बर्ट बिल का पेश किया गया था, इसे 1883 में पेश किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। यहाँ देखिए लिखा भी है द इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 फॉर ब्रिटिश इंडिया बाय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। अगस्त ऑफर औपचारिक रूप से किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, सेकंड लास्ट हमारे ये गवर्नर जनरल थे भारत के, इनके बाद माउंटबेटन आए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया और यहाँ से चले गए। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता किया गया था, कब किया गया था, 1932 में किया गया था, और किसके लिए था ये पैक्ट था, दलित और जनरल लोगों के बीच में जो वोटिंग का बंटवारा होता है तो उस चीज़ के निरपेक्ष में ये मामला था, जिसे बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने अलायंस करके इसे पूना पैक्ट का नाम दिया, जो कि संपन्न हुआ 1932 में। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, सब लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में पौधे के अंदर पौधे कोशिकाओं में अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, जबकि न्यूक्लियस होता है जो कि किसी भी सेल का हार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जीन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है सेल के अंदर, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और साइक्लोप्लाज्म होता है, ये सब चीज़ होते हैं सेल के बारे में। आप विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। अजीज प्रेम जी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो अजीज प्रेम जी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च सम्मान अभी तक है पद्म विभूषण, जो कि मुझे भी ऑप्शन पता नहीं है, मगर याद कर लीजिए आप, इसको आने वाले समय में बहुत काम आएगा। आप आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश उसके आकार के बिना निरपेक्ष रूप से यात्रा करता है, क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं, यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ना ही पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया और आपको मिरेज हो गया और भी हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ये सब क्लास 12th में पढ़ना है, बेसिक सी बातें हैं, आप एक बार अपने साइंस के बुक में चेक करें, आप लोग को जरूर मिलेगा। सूर्य का सतही तापमान क्या है, तो इसे 5778 होता है, इसका ऑप्शन यही करेक्ट है। केंद्र की ओर एक बाउंडर में एक चक्रवात की कोणीय गति क्या होती है, रिमेंस कांस्टेंट, तो ये एंगुलर स्पीड का बात हो रहा है, तो केंद्र की ओर एक जब आप केंद्र की ओर देखेंगे चक्रवात में, तो उसमें कोणीय गति जो होती है रिमेंस कांस्टेंट रहता है, वो एक तरफ मूव कर रहा होता है, जिससे कि